इंग्लिश ग्रामर का हम पढ़ रहे थे, और पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल ही जब बस शुरू हुआ था, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या अंतर था ये मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लास में। एक पास्ट सिंपल जो होता है जो कि जस्ट पास्ट को शो करता है, और जबकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो मोर पास्ट को शो करता है। और जब कभी भी तुम्हें इस्तेमाल करना होगा जस्ट मतलब पास्ट परफेक्ट को, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब मोर पास्ट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब जस्ट पास्ट का कोई एक क्लॉज होगा। मतलब इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेले क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होता है। पास्ट का कोई भी इंसिडेंट जो अकेले क्लॉज में तो बताना होगा, अगर उसको बताना होगा तो तुम पास्ट सिंपल का ही इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आज हम मेनली वही देखेंगे ज्यादा, किसके बारे में, पास्ट सिंपल के बारे में। देखो पास्ट सिंपल, इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ भार का सेकंड फॉर्म लगता है, प्लस अदर वर्ड लगता है, यही होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, है कि नहीं, यही होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर इसको हम क्या करें, नेगेटिव कर दें, नेगेटिव बनाए, जैसे मैंने कहा कि तुमने खाना खाया था, ओके, जैसे मैंने कहा कि तुमने खाना खाया था, तो हमने उसमें क्या लिखा था, तो यू एट ये वाला लिखे थे हम। वही भी इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव बना रहे थे, तो उसके लिए खास वर्ड की जरूरत होता था, ठीक है नहीं, डू या डज लगाते थे अपने हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या करना है, वही पास्ट सिंपल में भी एक खास वर्ड की जरूरत है, और वो खास वर्ड क्या है, डीड है। ठीक, उसी का ही वी टू, डू का ही वी टू सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डीड होता है। तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डीड लगाएंगे, प्लस वो इसी के साथ नॉट लगाएंगे, प्लस, लेकिन एक बात याद रखना, डीड लगने के बाद ये हो गया वी टू, है कि नहीं, डू का वी टू होता है डीड। तो एक बार जब डीड यहां पे लग जाए, तो उसके बाद आने वाला भार में याद रखना, एक सेंटेंस में दो बार वी टू का नहीं होता है, या तो इसको वी टू करना है, तो इसको तो वी टू करना ही करना है, डू का डू डीड करना है, तो उसके बाद जो आने वाला भार्व आएगा, भार्व का पहला फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यू एट, तुमने खाना खाया, उसी को अगर हम क्या करें, नेगेटिव में करें, तो यू लगाएंगे, यू सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट रहा, है कि नहीं, और हम यहाँ लगाएंगे डीड, यू डीड नॉट एट नहीं होगा, ईट होगा, ये वी वन में ही रहेगा, भार्व का पहला फॉर्म में रहेगा, जबकि ये यहाँ पे क्या है, वी टू में है। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर डीड आ गया किसी भी सेंटेंस में, डीड कहां से आएगा, मेनली पास्ट सिंपल में आएगा। अगर डीड आ गया कहां पे, पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस में, या फिर हम जब इसको नेगेटिव कर रहे हैं या फिर इंटरोगेटिव करेंगे, तो जब एक बार डीड आ गया तो उसके बाद तुम ये वी टू नहीं लगाओगे, ठीक है, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस क्यों ना हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। मैंने कहा पास्ट सिंपल का ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ वी टू लगता है, प्लस अदर वर्ड लगता है। उसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि यू एट, तुमने खाना खाया था, ओके, तुमने खाना खाया था, उसको नेगेटिव हम जब बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डीड आएगा यहाँ पे, वी टू, सब्जेक्ट और वी टू के बीच में डीड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे तब, लेकिन एक बार डीड लग गया तो उसके बाद वी टू नहीं आएगा, फिर वी वन आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेगेटिव की बात हम कर लिए, अगर हम बात करें इसको इंटरोगेटिव बनाने की, इंटरोगेटिव कैसे होता है, यस नो क्वेश्चन, डीड को सामने ले आओ, है कि नहीं, तो ये जो है डीड को सामने बिठा दो, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू, वी टू यहाँ पे नहीं होगा तो हो जाएगा यहाँ पे वी वन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर इसका हम निकाले ये वाला का यू एट, तो उसको हम जब सवाल करें, डिड यू ईट, ठीक,
को अगर हम क्या करें, नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव बनाया अगर इसका, तो यहीं पे डिड के साथ नॉट लगा दो, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। Did not you eat? ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, एक नंबर का स्ट्रक्चर है, उसका नेगेटिव बना दिया ये, फिर इंटरोगेटिव ये, फिर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव ये वाला। जैसे तुमने खाना खाया, तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है। और यहाँ पे तुम चाहो तो WH word भी लगा के बना सकते हो, तुमने खाना क्यों खाया, तो why भी लगेगा, तो auxiliary verb क्या आएगा, did आएगा, why did, तो why plus did plus subject plus V1 plus other word question mark। और इसको मैं लिखना चाहूँ, why did you eat, देखो जहां जहां पे डीड आया है, जहां जहां पे डीड का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद भार भिवानी रहा है, तो ये वाला चीज तुम्हें ध्यान रखने की बात है। अगर एक बार डीड का इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद भार का पहला फॉर्म ही रहता है, तो इसको गलत नहीं, गलती नहीं करना। फिर छह नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH plus नेगेटिव हम बनाए, ठीक है, यही पे लगा दो, वाई प्लस, फिर वाई नहीं, यहाँ पे तुम जो चाहे WH word लगा सकते हो, वाई प्लस डीड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, वाई डिड नॉट यू ईट, ठीक है, वाई डिडंट यू ईट। देखो ये छह तरह का सेंटेंसेस बनाना मैं तुम्हें सिखा चुका था, कहाँ से, प्रेजेंट सिंपल से, एक स्ट्रक्चर होगा उसके बाद उसको लेके और पांच अलग अलग स्ट्रक्चर में बदलना। जैसे हमने कहा कि पास्ट सिंपल पढ़ रहा था, तुमने खाना खाया, मैंने कहा तुमने खाना, यू एट, ठीक है, तुमने खाना खाया, या फिर उसके बाद अदर वर्ड जो लगाना करो, तुमने क्या खाया, कुछ क्या नहीं खाया, वो अलग बात है, मैंने कहा कि तुमने खाना खाया, तो यू एट है कि नहीं। और उसको जो हम नेगेटिव करें, तुमने खाना नहीं खाया, आएगा उसके बाद, ठीक है, यू डिड आएगा तभी नॉट लगाएंगे, यू डिड नॉट इट। तो इंटरोगेटिव जैसे करना है, डीड को सामने लो, डिड यू इट, इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है, डीड के साथ नॉट लगा दो, डिड नॉट यू इट। WH लगाना है, भाई तुमने खाना खाया, तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना क्यों खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। समझ में आ रहा है शुभश्री? चलो अच्छी बात है। अब सवाल आता है सर, मेक और गेट कहाँ लगाएं, मेक और गेट कहाँ लगाए, मेक और गेट कहाँ लगता है, मैंने बताया था तुम्हें, अगर कॉजेटिव भार्व हो, जैसे हमने कहा था कि मैं उसे हंसा रहा था, मैं उसे हंसा रहा था, मैं उसे हंसाता हूं, ये हो गया कॉजेटिव भार्व प्रेजेंट सिंपल का, है कि नहीं। मैं उसे हंसाता था अगर हम बात करें, या मैं उसे पिटवाता था, तो ये हो गया कॉजेटिव भार्व के, हंसना लाफ होता है, लेकिन हंसाना रोना रुलाना ये जो पॉजिटिव भार होता है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या जरूरत होता है, मेक और गेट की, ये पहले क्लास में से मतलब प्रेजेंट सिंपल से मैं बताते आ रहा हूँ। और मेक और गेट कहाँ लगता है, मेक और गेट लगता है मैंने बताया था जहां पे भार्व होता है उसी जगह पे मेक और गेट को हम लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड है, तो यहाँ पे इस V2 को हम क्या करेंगे,
यही पे वी टू था ना, भार्व था, उसी को हम क्या करेंगे, इसी जगह पे हम लगाएंगे मेक और गेट। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे दो चीजें हो सकता है, तो लेकिन मेक और गेट जो लगेगा उसका सेकंड फॉर्म में लगेगा, क्योंकि तो हम पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं, तो मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, गेट का गोट, है कि नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वी वन आएगा, लेकिन गॉट के बाद हमेशा मैंने बताया गेट के बाद वी थ्री आता है, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छी बात है ना, नहीं है, वी थ्री प्लस अदर वर्ड। ठीक, अगर हम बात करें कि मैं उसे हंसाता था, मैं उसे हंसाता था क्या होगा, आई मेक से हो जाएगा मेड, मेक का भी टू हो गया मेड, आई मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया कौन सा, ये वाला सब्जेक्ट मेड ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। उसके बाद सिंपल बाहर का पहला फॉर्म आई मेड हिम लाफ, ठीक है। मेक और गेट का वही, मेक और गेट का ये भी टू हो गया मेड का, गेट का भी टू गोट हो गया। अगर सिर्फ यही होता कि मैं हंसाता था तो आई गोट हिम नहीं होगा, उसके बाद भी थ्री लगा था आई गोट लाफ्ड, फिर मैं उसे पिटवाता था, पहले बताया था ना जहां पे करने वाला करवाने वाला होगा वहीं पे मेक लगाना, और जहां पे सिर्फ करने वाला होगा जबकि करवाने वाला नहीं होगा, ठीक है, वहां पे गेट लगता है, जहां पे सिर्फ करवाने वाला हो जबकि करने वाला, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें मैं बता दिया था पहले ही, चीज मेक और गेट कहाँ लगाएंगे, ठीक है, लगा सकते हो ना जहां पे भार होगा, यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो, देखो यहाँ पे क्या, ये भार है तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे डीड लगाए, तो डीड लगाने के बाद यहाँ पे तुम बाहर पूंगा भी टू नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे सिंपली मेक आएगा और यहाँ पे भी गेट आएगा, उसके बाद जो लगाना है इस तरह से लगा सकते हो, यहाँ यहाँ पे जहाँ बाहर पे बाहर को हम अलग करके लगा सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो आगे देखते हैं, अगर तुम्हें याद होगा, चलो कंपैरिजन कर देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे हो गया प्रेजेंट सिंपल, यहाँ हो गया पास्ट सिंपल, ध्यान से समझना, प्रेजेंट सिंपल का जो जो स्ट्रक्चर में वहां पे बताया था, बहुत सा स्ट्रक्चर बताया था मैं, ठीक, प्रेजेंट सिंपल का बहुत सारा स्ट्रक्चर में बता दिया था, क्या क्या बताया था, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए क्या बताया था, चलो इसका हिंदी भी लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, कमेंट करो मुझे पढ़ना पड़ता है क्या होगा इसका इंग्लिश, तो उन्हीं को पास्ट पास्ट सिंपल में क्या कहेंगे, मुझे पढ़ना पड़ता था, बोलो याद नहीं है, सब गधे एक से एक, मुझे पढ़ना पड़ता है मैंने बताया था ना, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है क्या होता था, ही हैज टू रीड, तो मतलब यहाँ पे जब पढ़ना पड़ता है इस तरह का सेंटेंस आता था, तो हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लगाते थे प्लस टू, है कि नहीं, हैज और हैव प्लस टू प्लस बाहर का पहला फॉर्म लगाते थे, यही लगाते थे, तो इसको अगर हम पास सिंपल में कहें कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो वो मुझे पढ़ना पड़ता था,
है कि नहीं। जब हम बात करें पास्ट में, इसी को पास्ट में क्या कहेंगे, मुझे पढ़ना पड़ता है को पास्ट में मुझे पढ़ना पड़ता था, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो हैज हैव था, ये जो हैज हैव था इसको बस हेड कर देना है, क्योंकि पास्ट में एक ही चीज हैज का या फिर हैव का, मतलब हैव का जो भी टू होता है वो हेड होता है कि नहीं। हैव का, हैज और हैव का जो भी टू होता है वो क्या होता है, हेड होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि आई हैड टू रीड, मतलब इसका अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर निकालोगे भाई वही चीज है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाओ, हेड टू लगा दो प्लस भार का भी वन, ये बन गया ये वाला स्ट्रक्चर, मुझे पढ़ना पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहता कि शुभश्री प्रेजेंट सिंपल में करवा दिया था कि मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, उसे पर खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं। और वहीं पे अगर हम पास्ट में बोले मुझे पढ़ना पड़ता था या फिर उसे खाना बनाना पड़ता था, ये पे ही आएगा तो भी हेड आएगा, है कि नहीं। ही अगर हम यहाँ पे आए कि उसे खाना बनाना पड़ता था, तो ही हैड टू प्रिपेयर फूड, बस हैज टू हैव टू लगता था, यहाँ पे हैड टू लगेगा पास्ट में, ठीक है। तो ये उठी रखी हुए वो क्या डगल है सब, जी आसू जी आसू नॉन नहीं पाठ बड़ा हो। पर देखो उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में और एक स्ट्रक्चर बताया था कि मैं पढ़ने वाला हूँ, है कि नहीं। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है उस तरह से मैंने बताया था कि मैं पढ़ने वाला हूँ, है कि नहीं। और यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, मैं पढ़ने वाला था, उसको अगर हम इंग्लिश में निकालें इसको क्या बताया था, मैं पढ़ने वाला हूं, तो इसका अंग्रेजी क्या निकलेगा, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, याद है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर हम इज या एम या आर प्लस टू प्लस वी वन लगा देते तो ये वाला सेंस लगा आता था कि बाला हूँ, इस तरह का सेंस आता था, बाला या बाली हूँ, है कि नहीं। इस तरह का सेंस आता था, जब मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ, इस तरह का अगर सेंसेस आने के लिए, इस तरह का मतलब चीजों को बताने के लिए प्रेजेंट में हम किसको इस्तेमाल करते थे, सब्जेक्ट वाले ई जे मार लगाओ, उसके बाद टू प्लस वी आर लगाओ तो ये वाला सेंस आ जाएगा, मैं पढ़ने वाला हूँ आई एम टू रीड, मैं जाने वाला हूँ आई एम टू गो, मैं पिटने वाला हूँ तुम्हें आई एम टू बीट, तुम्हें तो यू लगा दो वहां पे, लेकिन मैं नाचने वाला हूँ तो आई एम टू डांस, वो नाचने वाला है, ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा सेंटेंस, तो यही पे अगर इसको हम पास्ट में बना दें तो इज क्या हो जाएगा, इज एम आर, इसके मुझे अगले में आए क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज एम आर लगा देते तो इज हो जाएगा पास्ट में वाज हो जाएगा और आर हो जाएगा वेयर, उसके बाद लगाओ टू प्लस भार का पहला फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा भार का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसी को अगर हम बोले कि मैं पढ़ने वाला था तो आई हो जाएगा, आई के पास वाज लगता है, उसके बाद ये तो इसकी कहानी का तुम टू लाओ, आई वाज टू रीड, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, इंग्लिश का इसका हिंदी निकला मैं पढ़ने वाला था, ठीक है। अगर वहीं पे ना ही होता तो ही के बाद भी वाज आता, यहाँ पे अगर यू होता तो यू के साथ ओयर लगता, यू आर टू रीड, तो मतलब तुम पढ़ने वाले थे, समझ रहे हो। आगे चलो, उसके बाद और एक स्ट्रक्चर दिया था यहाँ पे, मैं पढ़ने वाला हूँ और एक मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मतलब अभी अभी,
नहीं, जो कि टाइम तुम्हारे पास नहीं, जब भी मैं बताता हूँ कि मैं पढ़ने वाला हूँ तो मेरे पास कुछ टाइम है, मैं कपड़े धोने वाला हूँ तो मेरे पास कुछ टाइम है, ठीक है, मेरे पास जब बोल रहा हूँ मैं कपड़े धोने वाला हूँ, मैं वहां जाने वाला हूँ तो मेरे पास कुछ टाइम है, मैं तैयार होकर आराम से जा पाऊंगा। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाने वाला हूँ तो मतलब मेरे पास कुछ टाइम है, 5-10 मिनट में उसके बाद खाऊंगा, मतलब अब तक खाना वाना परोसा नहीं गया। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि मैं खाने ही वाला हूँ तो उसका मतलब निवाला उठा चुका हूँ और बस मुंह में डालने बाकी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मतलब इमीडिएट एक्शन, जिसको हम कहते हैं, इसको पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट में। इमीडिएट एक्शन की अगर हम बात करें, मैं जैसे मैं कहा कि मैं खाने ही वाला हूँ, लेकिन मैं लिखने ही वाला हूँ बस, और मार्कर लेके ऐसे खड़ा होगा कि इसका मतलब मैं लिखूंगा, लिखने ही वाला हूँ, लेकिन मैं लिखने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे पास 5-10 मिनट टाइम होगा, कुछ टाइम होगा, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन दिखाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था प्रेजेंट सिंपल में, जैसे मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ने ही वाला हूं, मैं पढ़ने ही वाला हूं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, आई एम अबाउट, लगता था यहाँ पे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मैं खाने ही वाला हूँ, तो एम अबाउट टू, इज अबाउट टू, ये लगता था, आर अबाउट। इसका अगर स्ट्रक्चर हम निकालें तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता था, इज लगाओ या एम लगाओ या आर लगाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अबाउट टू लगाना पड़ेगा, अबाउट टू लगा तो फिर भार्व का पहला फॉर्म आएगा, भी वन आएगा, इससे ये सेंस निकलता है कि मैं खाने ही वाला, कोई भी इमीडिएट एक्शन, कोई भी इमीडिएट एक्शन, ठीक है, नहीं जैसे मैंने कहा कि मैं नहाने ही वाला हूँ तो उसका मतलब पानी वानी भर चुका है, ठीक है, नहीं बस मग उठाना है डालना है, ठीक है, तो इसका मैं कहता हूँ नहाने वाला, लेकिन मैं नहाने ही वाला हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहाने वाला हूँ तो आराम आराम से जाऊंगा, ठीक है, नहीं वो तेल वेल लगाऊंगा, पानी वानी इधर उधर से पानी में खेलूंगा थोड़ा, फिर जाके नहाऊंगा, ऐसे ही तो करते हैं सब लड़कियां, पता नहीं क्या करते हैं बाथरूम, थोड़ी मुझे पता है क्या करते हैं, कैसे नहाते हैं। तो बात यहाँ पे आती है, जब हम इमीडिएट एक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, मैं सोने वाला हूँ तो उसका मतलब बिस्तर में तुम लेटे हो, लेकिन सोने ही वाला हूँ कहूँ तो बस नींद आ रहा है, किसी भी टाइम एनी मोमेंट तुम सो सकते हो, उसको हम इमीडिएट एक्शन कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए अबाउट टू का इस्तेमाल होता है, ये करवा चुका हूँ मैं, है कि नहीं, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड, मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। वहीं पे अगर मैं इसको पास्ट में मैं बनाना चाहूंगा कि मैं पढ़ने ही वाला था, यही होगा, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा, मैं पढ़ने ही वाला था, तो यहाँ पे सिंपल सी बात, इज एम आर की जगह पे वाज वर लगा दो, यहाँ पे जो था सब्जेक्ट के बाद इज एम आर था, उसको वाज वर कर दो और वही अबाउट टू को यहाँ पे ले आओ, प्लस बी वन आएगा, तो इसको अगर हम निकालें, आई वॉज अबाउट टू रीड, तो इसका हिंदी आएगा मैं पढ़ने ही वाला था, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब करवा चुका था, बस उसका ही पास्ट सिंपल में अपग्रेडेड फॉर्म थोड़ा बदल के बता रहा हूं मैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो, जैसे वहां पे हमने बताया था कि एक तुम्हारा ट्रांसलेशन में भी था कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरी बीबी, हिंदी में लिखना है भाई, उड़िया में नहीं, मेरी बीबी कार चलाना जानती है, जरा कमेंट करो इसका अंग्रेजी क्या होगा, कहते कि कमेंट करो जल्दी, तो बस रिकमेंड करो, मेरी बीवी कार चलाना जानती है, पहले ये करो, उसका अगर हम पास निकालें तो क्या होगा,
जानती थी हो जाएगा। ई माई किस वाले खुश कहते कि मेरी बीवी क्या होगा भाई, बता दिया था ना, मेरी बीवी माई वाइफ है कि नहीं। कार चलाना, कार चलाना ड्राइव कार होता है, लेकिन कोई भी चीज जब जानने की बात आती है नो लगाना है तुम्हें। क्या लगाना है? नो, जानना मतलब नो होता है कि नहीं? जानना मतलब नो होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं, मुझे लिखना आता है, या फिर मैं लिखना जानता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, इसको मैं खाना बनाना जानता हूँ, ठीक है नहीं? मुझे नाचना आता है, फिर मैं नाचना जानती हूँ, जानता हूँ। तो जानने के सेंसेस में यस। नहीं, यहाँ पे गलत कर रहे हो, कहते कि माई वाइफ नो, एक तो नोज होगा प्रेजेंट सिंपल में, वो सिंगल है, ठीक है, गलत कर रहे हो। देखो माई वाइफ, एक तो होगा नोज, क्यों भाई? क्योंकि मेरी बीवी एक ही है भाई, लेकिन 50 थोड़ी है, तो ये सिंगुलर है। तो उसके बाद बाहर का पांचवा फॉर्म आएगा, V5 आएगा, SES लगेगा बाहर में, ठीक है नहीं? ये सिंगुलर है तो यहाँ पे SES लगेगा। तो माई वाइफ नोज, क्या जानती है? कार चलाना। कार चलाना का हम क्या कहेंगे? ड्राइव कार। लेकिन अगर याद होगा तुम्हें, जब ट्रांसलेशन करवाया था तो मैंने बताया था, जब भी ये जानने वाली बात आएगी तो वहां पे तुम्हें एक चीज घुसाना है, जानती है, कुछ भी अगर एक चीज आए तो तुम्हें घुसाना है, क्या? हाउ को लगाना है, ठीक है नहीं? तो क्या हुआ ये वाला सेंस? माई वाइफ नोज हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है? माई वाइफ नोज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? माई वाइफ नोज हाउ टू ड्राइव कार। तो इसका मतलब, इसका स्ट्रक्चर क्या निकले था? इसका स्ट्रक्चर निकला था कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? माई वाइफ ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम नो या नोज लगाते थे, वो सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये सिंगुलर होगा तो नोज आएगा, नहीं तो नो आएगा, यही था हमारा। प्लस हाउ टू लगाते थे, है कि नहीं? हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर, यही था ना स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आया? माई वाइफ आया, नो नोज से नोज लिया हम यहाँ पे, लेकिन उसके बाद हाउ टू हमने यहाँ पे लगा दी, उसके बाद ये भी वाला ड्राइव कर आ गया। तो इसी का अगर हम क्या करें, पास्ट टेंस बनाए भाई, नोज का क्या होगा? नो का पास्ट टेंस क्या होता है? न्यू होता है। तो क्या हो जाएगा? माई वाइफ नो का के एन और डब्ल्यू जो नो होता है, इसका V2 क्या होता है? न्यू होता है कि नहीं? पता है ना आपको, पता होगा, नो का V2 न्यू होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माई वाइफ न्यू, बस बाकी चीजें वही रहेगा। हाउ टू ड्राइव कार, तो यहाँ पे नो नोज का समय लगा, सफर के बाद तो मैं यहाँ पे न्यू लगा, उसके बाद वही हाउ टू को घुसाओ यहाँ पे, प्लस V1 प्लस अदरवाइज क्वेश्चन नहीं। जैसे कहा कि मुझे खाना बनाना पता था ना, जानता था, तो आई नो से न्यू हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि केतकी को खाना बनाना आती थी या जानती थी, तो क्या हो जाएगा? केतकी नो से न्यू हो जाएगा। अब भूल गई शायद, उसको सर्वर पर चोट लगी, फिर भूल गई खाना बनाना, तो पहले आती थी, तो केतकी न्यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, हाउ टू मेक टी, हाउ टू प्रिपेयर टी, समझ रहे हो ना? अरे एक ही चीज बदला है यहाँ पे, कुछ नहीं बदला है। यहाँ पे क्या आता था? वो जानती है आता था, तो उसके लिए हम नो नोज लगाते थे, ये जानता था। पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसी का V2 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और क्या? बाकी तो हाउ टू बोल के सब कुछ सेम ही है। समझ में आया?
तो ये बता दिया मैंने प्रेजेंट सिंपल और इसके बारे में। रुको थोड़ा, 2 मिनट में आया, मैं थोड़ा लीव लीव कर दे रहा हूँ क्लास को, फिर से आ रहा हूँ।